आज हम बात करेंगे देखो खाद की। ये मैंने खाद बना रखी है, जितने भी हमारे सब्जियों के पील्स होते हैं, आलू है, गाजर है, मूली है, संतरे के छिलके हैं, केला है, इन सबको मैंने पीस के रख लिया था, तो उसी से मैंने वो बनाई है खाद। ये खाद बहुत अच्छी रहती है, इसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट जितने भी हमारे पौधे को पोषक तत्व चाहिए वो सब होते हैं इसमें। और सबसे बड़ी बात कि इसमें वेस्ट ज़्यादा नहीं बचता है, जब भी हम पीस के डालते हैं तो उसमें वेस्ट ज़्यादा नहीं होता है, थोड़ा सा वेस्ट निकलता है और उसको हम फिर अपने गार्डनिंग में मिट्टी खोद के दबा सकते हैं। तो अभी ये पानी है और मैं इसको छान के लगाऊंगी, तो आप देखते रहिए। छान के रख लिया है और ये इतने सारे छिलकों का ये ज़रा सा ही निकला है, ये देखिए बिल्कुल ज़रा सा ही बन जाता है ये पीस के जब हम डालते हैं, और इसको 3-4 दिन के लिए छोड़ना पड़ता है। ठीक है, अब हम इसको देखिए ऐसे किसी भी मिट्टी में, गमले में मिट्टी खोदेंगे अपनी और वहाँ पे लगा देंगे, तो इससे ये धीरे धीरे हमारा कंपोस्ट बनता रहेगा और फिर ठीक हो जाएगा इससे ही। अभी हम इसका पानी देंगे, देखिए बिल्कुल ईजी है आपको खाद बनाना, कोई भी झंझट नहीं है, ना कोई बदबू है इसमें। इस तरीके से आप बना के खाद दे सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।